बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। हम इसके टेस्ट के डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़। अब ना अल्काइल हैलाइड्स आप जानते हो कि हम लिखते हैं R के साथ X, ठीक है। R जो है इसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, और अल्काइल ग्रुप को फाइंड करने का जो जनरल फार्मूला होगा वो अल्केन से निकलता है, CnH2n+1। अगर प्लस टू हो तो अल्केन होता है, एक हाइड्रोजन जो कि हमने कम करना होता है अल्काइल में, तो प्लस वन रह जाएगा। और जहाँ से हाइड्रोजन उतारा उसकी जगह पर हमने क्या लगाना था, हैलोजन। तो इसका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+1, आंसर होगा अल्फा ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाएंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज दैट विच हैव ओनली वन हैलोजन एटम, ये बात दुरुस्त है। हैव टर्शरी कार्बन एटम, इसमें टर्शरी कार्बन एटम भी मौजूद होता है। हैव बीटा कार्बन, ऑल ऑफ दीज। असल में टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ हैलोजन और इसके साथ तीन अतराफ में तीन अल्काइल चेन्स यानी कि आर ग्रुप कार्बन एटम्स अटैच होने होते हैं। ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और ये बाकी तीनों कार्बन क्या कहलाते हैं, बीटा कार्बन। तो इसलिए इसमें बीटा कार्बन भी हैं, इसमें हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पर कोई भी नहीं है और इसमें सिर्फ एक हैलोजन अटैच है, तो इसलिए इसका आंसर हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1-chloro-2-2-dimethyl propane। अब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पर 1 पे क्लोरो लगा, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल ग्रुप, बाकी इसके साथ हाइड्रोजन आप अटैच करोगे इतने के हर इक्विवेलेंसी को आप पूरा कर दो, ये कंपाउंड है। तो इसे उसने कहा है कि हम क्या कहेंगे, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड के नाम से, क्योंकि नियोपेंटेन से बना है ना, ये जो आपके सामने बाकी स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन है, तो इससे नियोपेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कंपाउंड दिया गया है, आपने इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताना होगा, और ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो ये ग्रुप है सारा अल्काइल ग्रुप, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 5, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसकी जब आप नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 एंड 4, इसका मतलब है पहला तो ये ब्यूटेन होगा, और इसके कार्बन नंबर 2 पर 2 क्लोरीन अटैच हैं, कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा 2,2-dichloro-butane, आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब इसमें आप नंबरिंग करोगे इसकी 1, 2 एंड 3, तो ये बनेगा 2 पे एक ब्रांच है मिथाइल और 2 पर ही क्लोरो अटैच है, तो 2-chloro-2-methyl propane, आंसर होगा इसका बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग आप करोगे यहाँ से 1, 2 एंड 3, इसके 1 पे क्लोरो अटैच है और 2 पर एक ब्रांच अटैच है मिथाइल, ठीक है ना। तो 1-chloro-2-methyl, तीन कार्बन की चेन है प्रोपेन, आंसर अल्फा ऑप्शन इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 2-bromopentane रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू गिव। 2-bromopentane का मतलब है 5 कार्बन की आप चेन बनाओगे, कार्बन नंबर 2 पर आप ब्रोमीन अटैच करोगे, बाकी सब के साथ आप हाइड्रोजन अटैच करके इसकी टेट्रावेलेंसी को पूरा कर दोगे। अब इसका अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस अल्फा कार्बन के आगे इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी ये
बीटा कार्बन मौजूद है, तो हम देखेंगे कि कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और वो यकीनन इनसाइड से होगा क्योंकि इसे मोस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनेंगी एंड अकॉर्डिंग टू सेड्ज़ेफ रूल वही ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आएगी। तो 2-pentene यानी कि CH3 ये 2-pentene जो है ये एज आ कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा इस एलिमिनेशन के नतीजे में। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, और वो कौन सी चीज़ करती है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ करती है, बॉन्ड एनर्जी जो है ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आंसर चार्ली बनेगा। क्वेश्चन 10 है टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड आर यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन, किसमें यूज़ करते हैं, गैसोलीन में इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, आंसर बीटा हो गया। क्वेश्चन 11 है विच पेयर ऑफ रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स कैन फॉर्म टर्शरी अमीन्स, हाँ जी इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिससे हमें अमाइंस हासिल होंगी और वो भी टर्शरी, तो अमाइंस हासिल ही सिर्फ एक रिएक्टेंट से होनी है डेल्टा से, कि आपके पास जो आर एक्स है जब इसको NH3 अमोनिया से ट्रीट करते हो तो बनेगा RNH2+HX, और अगर ये अल्काइल आपने एक्सेस में डाला हुआ है जो कि यहाँ पर उसने मोल रेशो नहीं दी हुई, लेकिन जो कि बाकी तीनों ऑप्शन में किसी भी रिएक्शन के नतीजे में अमाइंस बननी ही नहीं है, तो इसलिए आंसर तो हमारा डेल्टा ही होगा, लेकिन समटाइम क्वेश्चन में इसे वो एक्सेस में दे के भी पूछ लेता है कि रिएक्टेंट एक से ज़्यादा जगह पर यही लिखा हो, लेकिन जहाँ पर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा वहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी अमीन हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब अल्काइल हैलाइड्स ने एडिशन रिएक्शन तो किसी कीमत पर नहीं देना, बाकी बचे हैं दो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, तो आप देखें कि अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है, R(X) जिसमें हैलोजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके लिहाज से इसे हम डेल्टा ऑप्शन में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।